नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राधास किलनरी। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल शाम सवेरा कोफ्ता करी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं जो इंग्रेडिएंट चाहिए पहले उनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दो गड्डियाँ ली थी छोटी वाली पालक की, उसको हमने चॉप करके और फिर ब्लांच करके तैयार कर लिया है। आधा कप पनीर है कसा हुआ। यहाँ पर हमने 5 बड़े टमाटर लिए हैं, उसको रफली चॉप कर दिया है। ये है 1/2 कप काजू पाउडर, 1/2 कप बेसन, नमक, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पर हमने 2 बे लीफ ली है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़ा इलायची पाउडर है, प्याज है उसको रफली चॉप किया हुआ है, 3-4 कलियां लहसुन की है और इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा है उसको हमने रफली चॉप किया है। थोड़ा हमें यहाँ पर मैदा चाहिए, 1 TBSP करीब। हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, कसूरी मेथी है, गरम मसाला है, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, चीनी है, 1/4 कप क्रीम है और थोड़े से काजू है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, गैस ऑन की है, 2 TBSP करीब ऑयल डाल रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, इसमें हम 1 TSP जीरा डाल रहे हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं इसमें हम, इसको थोड़ा सौते करेंगे। यहाँ पर हमने 1 TBSP जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है इसमें, 1 TSP हम इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रहे हैं, आप स्वाद के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसको भूनेंगे और इसमें हम अपनी पालक डाल रहे हैं, गैस की फ्लेम आप थोड़ी मीडियम रखिए। नमक डाल रहे हैं हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं 1 TSP डाल रही हूँ, 1 TBSP इसमें हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं, 1 TBSP यहाँ पर इसमें हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पर हम इसको 2-3 मिनट के लिए सौते करेंगे। बेसन डाल रहे हैं इसमें और काजू पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। देखिए अभी खट्टा होना शुरू हो गया है, इसका मतलब हमारा जो पालक का मिश्रण है वो हमारा तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम इसको पूरा ठंडा करना है, हम इसको पूरा ठंडा होने देंगे। उधर हमारा पालक का मिश्रण ठंडा हो रहा है, अब हम पनीर लेंगे एक बाउल में, नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं इसमें 1 TSP डाल रही हूँ, 1 पिंच हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं, काली मिर्ची का पाउडर, 1 TSP इलायची पाउडर और इसमें हम 1 TBSP कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको हमें अच्छे से स्मूथ करना है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, इतना छोटा बॉल बनाना है हमें इसका, इससे बड़ा नहीं बनाएंगे हम, साइड पे रखेंगे। ऐसे ही हम सब बॉल्स को तैयार कर लेंगे। ये सब्जी है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी है, आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, लच्छा पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने बहुत टेस्टी होती है। देखिए यहाँ पर हमारे सारे जो बॉल्स हैं वो तैयार हो गए हैं, अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, हाथों को हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। हमारा पालक का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है, इसको हम हथेली पर फैलाएंगे। इसके बीच में हम अपना जो पनीर का बॉल बनाया था उसको रखेंगे और इसको इससे हम पूरा कवर कर देंगे। पूरा कवर कर दिया हमने इसको। यहाँ पर हमने प्लेट में मैदा लिया है, इसको मैदे से डस्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा जो कोफ्ता है, शाम सवेरा कोफ्ता बनकर तैयार है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे, मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। पनीर का बॉल रखेंगे इसमें और इसको फिर से कवर करेंगे। इसको आप ढंग से अच्छे से कवर करेंगे, डस्ट करेंगे मैदे से। देखिए तैयार हो गया है, ऐसे ही हम बाकी के कोफ्ते तैयार कर लेंगे। देखिए सारे कोफ्ते मेरे तैयार हो गए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, हम इसमें पहले एक कोफ्ता डालेंगे, इसको पलटेंगे हम धीरे धीरे। ये शाम सवेरे में जो शाम है वो पालक है और जो सवेरा है वो हमारा अंदर का जो पनीर लगाया है हमने वो है। ये देखने में बहुत सुंदर लगती है डिश
और खाने में भी डिलीशियस होती है, सभी को बहुत अच्छी लगती है। देखिए हमारा जो पिस्ता है वो तैयार हो गया है, इसको हम साइड पे निकालेंगे। बाकी के डालेंगे हम, गैस की फ्लेम आप लो टू मीडियम रखिए। यहाँ पर एक बार में हम तीन चार डाल रहे हैं, यहाँ पर हमारे तैयार हो गए हैं। अभी देखिए कोफ्ते, इसको निकालेंगे। बाकी के भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे सारे शाम से मेरा कोफ्ता बनकर तैयार है। अब हम ग्रेवी की तैयारी शुरू करते हैं। हम ग्रेवी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने 2 TBSP ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है अभी, इसमें हम 1 TSP जीरा डाल रहे हैं। इसमें अपनी कलियाँ और अदरक डालेंगे, तो क्रैकर होने देंगे थोड़ा सा। गैस की फ्लेम आप लो टू मीडियम रखिए। यहाँ पर हम इसमें तेजपात का पत्ता डाल रहे हैं, बड़ी इलायची डाली है हमने एक यहाँ पर, उसको 1 मिनट के लिए भूनने देंगे। अब इसमें हम स्लाइस हुई अपनी अनियन डाल रहे हैं, गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ाएंगे। अब टमाटर डाल रहे हैं इसमें। यहाँ पर हम सब चीज़ों को रफली ही चॉप करना है, क्योंकि हमें इसको बाद में पीसना है अभी। अब इसमें हम काजू डालेंगे, यहाँ पर हमने 10 से 12 काजू लिए हैं। धनिया पाउडर डाल रहे हैं हम इसमें, 1 TBSP। लाल मिर्ची पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए यहाँ पर, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है ज़्यादा डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 1 TSP डाली है। 1 TSP हम इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल रहे हैं। नमक डालेंगे, नमक थोड़ा कम ही डालिए, मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पर इसमें हम थोड़ा पानी डाल रहे हैं, आधा ग्लास के करीब गर्म पानी डाला है हमने इस यहाँ पर। अब हम इसको पकने देंगे जब कि हमारे टमाटर और प्याज जो काजू हैं वो अच्छे सॉफ्ट ना हो जाए। इसको ढककर पकाएंगे हम अभी। अब हम इसको ढक देंगे और इसको पकने देंगे। यहाँ पर हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। गैस की फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमारा टमाटर का मिक्सचर ठंडा हो गया है। हम इसमें से जो हमारे तेजपात के पत्ते हैं और जो इलायची है उसको निकाल देंगे और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसकी प्यूरी बनाएंगे। यहाँ पर हमने टमाटर और प्याज को पीस लिया है, प्यूरी तैयार हो गई है हमारी। इधर हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसको सीव करना है जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल स्मूथ बने। एक स्ट्रेनर की सहायता से हम इसको बिल्कुल ऐसे छान देंगे। हमने सारी ग्रेवी को छान दिया है, इससे हमें जो हमारी ग्रेवी है बिल्कुल स्मूथ मिलेगी। देखिए हमारी जो ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ है। पैन हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पर इसमें हम 1 TBSP मक्खन डाल रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे। मक्खन डालने से हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल एकदम मखनी बनेगी। अब इसमें हम अपनी ग्रेवी डाल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा इसमें हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं, नमक डालेंगे, थोड़ा ही डालना है हमें क्योंकि हमने कोफ्तों में भी डाला और ग्रेवी में पहले भी डाला था। और इसमें अब हम चीनी डाल रहे हैं 2 TBSP। कसूरी मेथी डाल रहे हैं, कसूरी मेथी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स कर देंगे। इस समय आप नमक मिर्च यहाँ पर टेस्ट करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, गरम पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखेंगे। इसको एक बॉईल आने देंगे। अब हम यहाँ पर हमारी ग्रेवी बॉईल हो गई है। अब इसमें हम क्रीम डाल रहे हैं। यहाँ पर मैं 1/4 कप क्रीम डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। क्रीम डालने के बाद में आपको गैस की फ्लेम तुरंत ऑफ कर देनी है। हमारी ग्रेवी जो है वो एकदम तैयार है। यहाँ पर हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। हमने यहाँ पर एक डिश ली है। अब इसमें हम इसको प्रेजेंट करेंगे। जो ग्रेवी है उसको इसमें पोर करेंगे हम। अब हम कोफ्ते लेंगे। यहाँ पर हमें कोफ्ते को बीच में से कट करना है। देखिए हमने यहाँ पर कोफ्ते को कट कर दिया है। ऐसे ही हम बाकी कोफ्ते कट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर अपने शाम से मेरे कोफ्ते को कट कर दिया है। अब हम इनको इसमें प्लेस करेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। चाहे तो थोड़ी सी इसके क्रीम ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। देखिए हमारी शाम सवेरा कोफ्ता करी बनकर तैयार है। इसको शाम सवेरा सब्जी भी कह सकते हैं आप। आप इसको नान के साथ, परांठे के साथ और रोटी के साथ एंजॉय करिए। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मुझे कमेंट में शेयर करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।